Hi everybody make the most of the best and the least of the worst today is 16th of October 2022 let us have a quick discussion of all these important topics this is telegram quiz everyday in morning we are having five such multiple choice questions join this is quiz number 162 history who among the following journalist is the biographer of mahatma gandhiji biographer of mahatma gandhiji the answer is, the answer is Louis Fisher. Who among the following reign Congress radio during the Quit India movement? The answer is Usha Mehta. The Prime Minister of England during Quit India movement was Clement Attlee. After passing the resolution of Quit India movement, Gandhiji was arrested in Aga Khan Palace. In which of the following districts of UP parallel government was established during Quit India movement? The answer is Balia. आज के सवाल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन द सिटी व्हिच सिटी द फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज वाज हु हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देशनायक देशनायक विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्लीडेड ऑन द साइड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स इन द रेड फोर्ट ट्रायल इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में सो so, इसमें कुछ लॉयर्स ने यहाँ पर उनको उनका वकील यहाँ पे उन्होंने किया था सो so, उनमें से क्या यहाँ पे नाम है विच अमंगशनल आर्मी ऑफिसर्स इन द रेड फोर्ट ट्रायल सो so, ये सवाल है आज के लिए आज की वोकैबलरी है परपोर्टेड इसका मतलब है कथित रूप से अपियरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू बट नॉट नेली टू बी ट्रू पेलियट का मतलब है कम करना टू मेक मोर बियरेबल और लेस सीवियर एलिवेट करना मतलब टॉक इन अ अुलिंग वे बुलिंग वे टॉक टू समवन इन अ बुलिंग वे मिल्यू मतलब होता है प्रतिवेश अ पर्सन सोशल एनवायरमेंट और ग्लीन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो दिस इज सी नंबर वन ये एक सिचुएशन दिया हुआ है इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे टेल भी आप क्या डिसीजन लोग ऑक्टोबर के मंथ में लास्ट थर्टी डेज में इलेवन थाउजेंड से ज्यादा रजन इंडिया डॉट वन और स्मॉल वेबसाइट स्पेशली फॉर दिस एजुकेशन पर्पज इज ओनली दीज नंबर गुड और फोर थाउजेंड से ज्यादा वी हैव ही ये जो पूरा वेबसाइट है जो, पूरा आंसर राइटिंग का जो हमारा पर्पस है, ये बहुत जरूरी है क्वालिफाई नहीं करना है हमको फाइनल रैंक भी चाहिए फाइनल रैंक भी चाहिए सो दैट इज वाई ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है सो दैट इज वाई दिस वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली ब्लोट फ्री दिस इज दिस इज कम्प्लीटली एड फ्री ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज यूटिलाईज दिस टू द मैगजिम खूब अच्छा यहाँ पे आंसर लिखो इसमें और भी बहुत अच्छे इनिशियेटिव अभी स्टार्ट हो रहे हैं इसका मैगजिम यूटिलाईजेशन आप करो ओके दिस इज अवर वेबसाइट सृजन इंडिया डॉट वन एंड इफ यू आर गेटिंग एनी बेनिफिटिट्स आउट ऑफ दीज इनिशियव यू कैन यूज दिस कॉन्ट्रीब्यूशन बटन एज वेल कॉन्ट्रीब्यूशंस बटन पे आप क्लिक करेंगे सो इट विल ओपन अ रेजर पे और यहां आप एक वॉलेंटरी फी या कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं ओके सो दिस इज रजन इंडिया डॉट वन एंड दिस इज अवर कोर्स दिस इज प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स ये ईयर लॉन्ग कोर्स है दिस इज वैलिड टिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जब आपका प्रिलिम्स एग्जाम होगा इसमें हम बहुत सारे इनिशियेटिव कर रहे हैं राइट नाउ वी आर रीडिंग दिस इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक सो इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स इज वेल

ट ये जो बार्टर सिस्टम है इकोनोमी में हमने पढ़ा था एक्सचेंज एक्सचेंज हो रहा है बार्टर सिस्टम कम्स टू लाइफ एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेयर क्या वो हॉर्नबेल है क्या वो हेमिस है क्या वो जॉनबिल है या फिर वो पुष्कर मेला है तो बार्टर सिस्टम कहाँ पे होता है टेल Look at this picture. Guess the name of this mela famous for its exhibition of camels. Camels का यहाँ पे exhibition होता है. ये कौन सा मेला है? Can you tell? Now this is again a very important infographic और यहाँ बात किया है traditional toys का. Prime Minister साहब ने मन की बात में भी traditional toys को highlight किया था और पूरा government machinery अभी इन traditional toys को

देन यूपी में वुडन टॉयज बनते हैं लकड़ी के देन कन्या पुत्री डॉल्स हैं दिस बिहार की बिहार की एंड असम में मिलता है अशारी कांडी टेराकोटा टेराकोटा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने टेराकोटा पढ़ा था वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टेराकोटा? इसकी स्पेशलिटी क्या होती है दिस इज टेराकोटा देन इफ यू कम टू वेस्ट बंगाल तो दिस इज नाटूंग ग्राम दिस इज इन वेस्ट बेंगोल Then, बीटल नट बनता है मध्य प्रदेश में निर्मल टॉयज है तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के गुजरात में है क्ले एंड टेराकोटा देन बहत कुटली बहत कुटली है महाराष्ट्र की चन्ना पटना टॉयज है कर्नाटका के और तंजावर टाइज टॉयज है तमिलनाडु के तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स स्पेसिफिक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना लेटे कम टू दिंदू न्यूज पेपर दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर आज संडे है एडिटोरियल नहीं आते हैं और दिस इज इंडियन एक्सप्रेस जो फर्स्ट न्यूज है वो है सीजन ऑफ गेम्स इन विलेजेस तो जैसे ओलम्पिक्स होता है इंटरनेशनल लेवल पे अभी इंडिया में भी गुजरात में भी गेम्स हुए थे नेशनल गेम्स तो सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी ऐसे गेम्स होते हैं और इसमें छत्तीसगढ़ का नाम काफी ऊपर आता है तो ये कौन सा ओलंपिक्स है दिस इज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया सो आर ईगरली टेकिंग पार्ट इन टूर्नामेंट लॉन्च टू रिवाइव ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स देन दिस इज कैंप ऑफ डेथ इज नाउ अ लाइफ सेवर सी जितनी भी इंसर्जेंसी है या फिर डिस्टर्बेंटमेंट है या फिर पीपल में रिसेंटमेंट है बिकॉज वहां पे गवर्नेंस नहीं है फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट नहीं है इसका सॉल्यूशन क्या होता है इसका सॉल्यूशन होता है वहां पे गुड गवर्नेंस प्रोवाइड कराना अक्सर मिलिट्री की ऐसी इमेज हो जाती है मिलिट्री इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट रफ एंड टफ नॉट पीपल फ्रेंडली दिस एंड दैट इज रॉन्ग मिलिट्री इज फॉर पीपल फॉर पीपल फॉर द डिफेंस ऑफ पीपल फॉर टू सर्व द पीपल तो ये जैसे फौज है इट इज ऑल पीस एंड क्वाइट एट दिस साजिक टाम्पाक इन मणिपुर चंदेल डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग इन म्यांमार ये एक टाइम पे हॉटबेड था इंसर्जेंट का बट देखो यहाँ पे मेडिकल यूनिट है मेडिकल यूनिट है से ये असम राइफल्स की और यहाँ ये उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे विच इज रियली गुड एनी वन फेमिलियर यहाँ पे बात है कि यहाँ काफी इंसर्जेंसी था गन शॉट्स काफी आते थे कॉमन थे बट अब फ्रॉम नॉइजी शॉर्ट्स टू साइलेंट शॉर्ट साइलेंट शॉर्ट मतलब से वैक्सीनेशन हो रहा है ज अ रियली गुड न्यूज एंड दिस इज द वे फॉर्वर्ड की मिलिट्री फौज पैरामिलिट्री एवरीवेयर इवन गवर्नमेंट फोर्सेज भी गवर्नमेंट ऑफिशल भी दे आर टू सर्व दीपल एंड सच टाइप ऑफ लाइक जैसे मेडिकल कैंप है लोगों की प्रॉब्लम सुनो उसको सॉल्व करो दिस इज द वे फॉरवर्ड रिलीफ काउंटर रिलीफ काउंटर तो अब जैसे ये न्यूज पेपर में हमने एग्जाम्पल देखा इस एग्जाम्पल को एज अ टेम्पलेट आप कहीं आंसर राइटिंग पे या फिर इंटरव्यू एटसेट्रा में यू कैन यूज द हिंदू सी दिस इज अगेन वेरी ट्रेजिक अनफॉर्चुनेट यहाँ पे हुआ है हाई टेंशन लाइन है और इनमें ज्यादा हाइट नहीं दी है एलिफेंट वैसे ही काफी टॉल होता है और यहाँ कॉन्टेक्ट में आने के कारण दिस डेथ हुआ तो विच इज नॉट राइट तो दैट इज व्हेयर दिस इलेक्ट्रोक्यूशन जो होता है बिजली के कारण इस पे वर्कआउट करना जरूरी है सच टाइप ऑफ जो थ्रेट्स हैं थ्रेड्स हैं इनको दूर करें देन लुक एट दिस पिक्चर दिस इज विजिटर्स आर अराइविंग इन लार्ज नंबर टू विटनेस द ब्लूमिंग ऑफ नील कुरिंजी फ्लावर इन कालीपारा हिल्स एट सांथापारा इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला तो देखो ये ब्लू है ये हिल्स हैं हिल्स क्या होती है बड़े पहाड़ नहीं होते छोटे पहाड़ होते हैं ऐसे छोटे चो, पहाड़ होते हैं दीज आर हिल्स ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है केरला इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ ये जो ब्लू ब्लूम हो रहा है दिस इज नील कुरिंजी नील कुरिंजी तो नील कुरिंजी की सिक्स वेराइटी अभी यहाँ पे वेरीफाई किया गया है आइडेंटिफाई किया है तो नील कुरुजी वास्ट एरिया में है यहाँ पे और दिस इज रियली गुड ये सारी स्पीशीज एंडेमिक है एंडेमिक का मतलब क्या होता है टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में और ये यहाँ पे इनका फ्लावरिंग हो रहा है 12 साल में इनका ऐसा फ्लावरिंग होता है सो दिस इज अगेन अ रेयर फिनोमिन सो यहाँ के जो है टूरिज्म पोटेंशियल है यहाँ पे और इसका एडजॉइनिंग एरिया आता है एराविकुलम नेशनल पार्क रावीकुलम नेशनल पार्क ये सेंचुरी है नीला कुरुंजी फ्लार का और दिस इज देयर यहाँ पे इनके कंजर्वेशन के एफर्ट्स डाल रहे हैं और प्लस टूरिज्म पोटेंशियल भी है तो रेवेन्यू जनरेशन की भी यहाँ पे बात होती है सो दिस इज नीला कुरुंजी नीला कुरुंजी देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर फॉर यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन लीगल सिस्टम टू ब्रिंग ईज ऑफ जस्टिस हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्रिटिसिज्म ये भी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है इंडिया में भी नियम कानून ऐसे होते हैं कि उन नियम कानून को समझना ही बहुत मुश्किल है तो ऑर्डिनरी पीपल के लिए लीगल हेल्प लेना लीगल एड लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है सो दैट इज वाई वाई नॉट वी हैव दीज लीगल सिस्टम इन रीजनल लैंग्वेजेस सो दैट ऑर्डिनरी जो पर्सन है वो भी इनका बेनिफिट उठा पाए तो इससे ईज ऑफ जस्टिस होगा तो दिस विल एंश्योर पीपल्स फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन और जस्टिस यहाँ पर डिलीवर होगा तो दिस इज अगेन रीजनल लैंग्वेजेस पे एम्फेसिस किया जा रहा है सिमिलरली एम बी बी एस जो होता है डॉक्टरी इसमें भी रीजनल लैंग्वेज में जैसे हिंदी में पढ़ाने की बात चल रही है अब तो रीजनल लैंग्वेजेस जो है ये भी फोकस एरिया है रूल ऑफ लॉ इज डिफेंस अगेंस्ट ऑपरेसिव सिस्टम्स लाइक कास्टिज्म छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक्स दिस इज रेली गुड छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक्स हो रहा है स्पोर्ट्स एक इंटीग्रल पार्ट है ट्रेड पॉलिसी फोरम नवम्बर एट को सेट है मोडेस्ट आउटकम्स लाइकली अभी इसमें आगे कोई प्रोग्रेस होने दिख नहीं रहा है इवन जो यूके के साथ भी है ट्रेड दिस पॉलिसी पैक्ट होना अभी उस पर लिटिल प्रोग्रेस है अभी दिस क्लियर सिग्नल्स नहीं है

इंडिया वॉन्स तो वो यहाँ पर कर सकता है कोलंबो का प्रपोजल है नंबर ऑफ गॉर्स इंडियन टू श्रीलंका तो श्रीलंका में यह इंडियन गौर की जो पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई है इंडिया से यहां पर इनको एक्सपोर्ट करने का ऑफर है तो इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल फ्रॉम कोलंबो कोलंबो ने ऑफर किया कि आप इंडियन गौर को यहाँ ट्रांसलोकेट करो जैसे नामीबिया से चीता गए समथिंग लाइक दैट तो ये प्रोजेक्ट क्लियर होगा तो एक ये अग्रीमेंट होगा इंडिया और श्रीलंका वाइल्ड लाइफ और जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी दिस इज अगेन अ न्यू वर्ड डिप्लोमेसी में हम बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं ना दिस इज वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी दिस इज गुड वर्ड नोटेड तो अभी एम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसके रिव्यूज मांगे हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल होगा कैप्टिव ब्रीडिंग कैसे होगा री इंट्रोडक्शन बिकॉज इस स्केल पे ट्रांसलोकेशन करने से पहले उसका होमवर्क सर्वे किया जाता है साइंटिफिक कल्चरल कोलेबोरेशन की भी बात है इंडिया इज विदाउट अ डाउट श्रीलंका का क्लोजेस्ट फ्रेंड सपोर्टर ट्रेडिंग पार्टनर शेयर्ड हिस्ट्री है शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी है और शेयर्ड जीन्स भी है तो दिस जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी काफी वर्कआउट यहाँ पे करना चाहिए लेट अस सी गवर्नमेंट रिजेक्ट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्टडी कॉल्स इट अटेम्प्ट टू टार्निश इंडियाज इमेज तो इस जो रैंकिंग आया था एक्चुअली ये रैंक में एट टाइम्स जो इनके पैरामीटर्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं और फ्लॉड भी होते हैं तो करेक्ट पिक्चर वो रिप्रेजेंट नहीं करते तो गवर्नमेंट ने ये जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है इसको डिस्कार्ड कर दिया है देन दिस इज इंडिया सब्सिडीज मस्ट नॉट बी व्यूड यूनिडाइमेंशनली अब दिस फॉरन मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मैम का भी दिस आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे इंडिया में फ्री बीज है जैसे अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फूड ग्रेन्स कर रहे हैं सो द आइडिया इज दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज की दिस इज लाइक एन इकोनॉमिक बर्डन दिस इज एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ वेलफेयर अगर इस फूड सिक्योरिटी से अगर पॉपुलेशन बेटर होती है तो ये ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएगी सो दिस इज नॉट अ एक्सपेंडिचर दिस इज इनफैक्ट एन इन्वेस्टमेंट तो इन चीजों को यूनिडाइमेंशनली नहीं देखना चाहिए सब्सिडीज जो इंडिया प्रोवाइड कराती है स्पेशली फूड में तो यहाँ पे लिखा है डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन डिस्टोर्टिव सब्सिडीज एंड टारगेटेड सपोर्ट तो अवर पर्पज अवर इंटेंशन इज नॉट कि हम मार्केट डिस्टॉशन करें गवर्नमेंट बैग्ड सब्सिडाइज फूड से कि जो डिस्ट्रेस में पॉपुलेशन है वहां हेल्प प्रोवाइड करे तो दिस इज नॉट डिस्टॉर्टिव सब्सिडीज आर टारगेटेड सपोर्ट वेबल हाउस होल्ड को यहाँ पे दिए जा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रीब्यूट इनफेक्ट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए देन मेडिकल कॉलेजेस तमिलनाडु एंड यूपी में हाइएस्ट नंबर इसरो एल वी एम थ्री टू लॉन्च थर्टी सिक्स वन वेब सैटेलाइट ऑन अक्टूबर ट्वेंटी थ्री तो ये इसरो लॉन्च कर रहा है ब्रिटिश स्टार्टअप वन वेब है थर्टी सिक्स ब्रॉडब्रांड सेटेलाइट अभी ये लॉन्च करेगा बिकॉज अब हम सैटेलाइट लॉन्चिंग को हम एज अ कॉमर्शियल यूटिलाइज करने लग गए हम चार्ज करते हैं और हमारी सर्विसेज के लिए वी गेट पेड सो दिस इज़ अगेन अ गुड सोर्स ऑफ दिस रेवेन्यू जनरेशन तो वन वेब जो है इसको हम जीएसएलबी मार्क 3 एलवीएम लेट अस सी सक्सेस होना चाहिए देन इकोनॉमिस्ट दीपक नायर अपॉइंटेड इज दिस चेयर स्टार्टअप टू टैप पोटेंशियल ऑफ लैब ग्रोन मीट ये भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है जो मीट है मीट के लिए क्या होता है लाइव स्टॉक रखना पड़ता है लाइव स्टॉक पे काफ़ी एक्सपेंडिचर्स आते हैं प्लस एक और टर्म अभी आ रहा है वो है मिथेन इमिशन मिथेन इमिशन सो द आइडिया इज़ कि ये जो मीट है इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं और एनवायरमेंटली भी चैलेंजिंग हो जाता है सो वाई नॉट वी हैव दिस लैब ग्रोन मीट ये लेबोरेटरी मीट बनेगा और ऐसा क्लेम्ब है कि ये उतना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगा टेस्ट भी सिमिलर रहेगा बट इंस्टेड ऑफ दिस एनिमल लाइफ स्टॉक ये लैब में ग्रोन है तो इसका ह्यूज पोटेंशियल है और इसको यहाँ स्टार्टअप इसको टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं देन दिस इज वन थर्टी एट एक्सोटिक मैमल्स बर्ड्स क्रोकोडाइल्स रेस्क्यूड इन मीजोरम अक्सर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट में दिस पोचिंग बहुत होता है कोचिंग बहुत होता है बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर भी है वाइल्ड क्लोरा एंड फोना भी है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी है तो ये काइंड ऑफ गेट वे बन जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में दिस इलीगल पोचिंग होती है इलीगल दिस ट्रांसपोर्ट होता है इन वाइल्ड एनिमल्स का तो इतने एग्जॉटिक यहाँ पे अभी फाइन किए हैं और इनको लाइक जो कस्टम्स प्रिवेंशन फोर्स है उनको हैंड ओवर कर दिया गया है सो दिस इज दैट एक बॉडी है ट्रैफिक ट्रैफिक वो काफ़ी इस काम पे वर्क करती है जो सच टाइप ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग होती है का उसको चेक करने के लिए रहता है साइट्स इज आल्सो वन बॉडी कैन यू टेल द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स देन सऊदी अरेबिया अनाउंसेस डॉलर फोर हंड्रेड मिलियन ह्यूमेनिटेरियन एड फॉर यूक्रेन क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड अब मिस्टर शी सेट फॉर थर्ड टर्म चाइना टू अनवी न्यू लीडरशिप सी ये मोस्ट प्रोबेबली चुनाव जीत रहे हैं अभी कम्युनिस्ट पार्टी का विद इन चुनाव बिकॉज चाइना इज अ डिफरेंट कंट्री चाइना में डेमोक्रेसी नहीं होती यहाँ एक पार्टी है और वही पार्टी रूल करती है और इसी पार्टी के अंदर ये अलग अलग पोस्ट से ये अपने लीडर्स चेंज करते रहते हैं तो पहले चाइना में ऐसा था दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का लिमिट था मिस्टर शी जिनपिंग ने इस लिमिट को हटा दिया है सिमिलर लिमिट रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी था और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इस टू वाली लिमिट को हटा दिया है तो टेक्निकली मिस्टर व्लादिमीर पुतिन हो या मिस्टर शी जिनपिंग हो ये मोर देन टू टर्म्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंडलेस टर्म्स यहाँ पे पॉसिबल है लेटेस्ट एंड वॉइज आफ्टर बाइडन कॉल्स पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस नेशन विच इज़ अ फैक्ट और रीजन बींग पाकिस्तान में सोवर्निटी नहीं है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान इज़ नॉट वन कंट्री पाकिस्तान इज़ फोर कंट्री पाकिस्तान इज़ फोर कंट्री एंड द प्रॉब्लम इज दिस कंट्री हैज़ न्यूक्लियर आर्सनल न्यूक्लियर आर्सनल और फिर ये न्यूक्लियर आर्सनल अगर इनस्टेबिलिटी होती है पाकिस्तान में तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेड बन जाता है वर्ल्ड पीस के लिए और इज़ ऑफिशियली नहीं कहा बट इन ऑफिशियली भी ने यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर दिया है कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस नेशन। दिस इज़ लेक्चर्स ट्रांसक्रिएटेड फ्रॉम इंग्लिश टू फाइव इंडियन लैंग्वेजेस अगेन बात किसका है रीजनल लैंग्वेजेस में चेंज करने का यह है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट मल्टीपल कोव टू वेरियंट अब सी कोविड नाइन्टीन बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने इसमें जो थ्योरीज है वो चेंज होती रहती है अभी एक नई थ्योरी आई है कि जो एंटीबॉडीज है वो न्यूट्रलाइज अगेंस्ट मल्टीपल सार्स कोव टू वेरियंट पॉसिबल है दिस एंड दैट इस पर बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है बेसिक समय पता चल गए है वॉट इज सार्स कोव टू व्हाट इज दिस नोवल कोरोना वायरस वैक्सीनेशन कैसे काम करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन क्या है दिस इज मोर देन सफिशियंट ह्यूमन ब्रेन सेल्स इंजेक्टेड इन टू ब्रेन्स ऑफ न्यू बॉर्न रेट्स तो हमने एक मिनिएचर ह्यूमन ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसप्लांट किया रेट में और ये स्टडी किया कि उसमें ब्रेन कैसे वर्क करता है बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स हैव अ इवोल्व्ड ब्रेन हमारा ब्रेन का साइज भी बड़ा होता है और दिस इज अली इवोल्व ब्रेन तो रैट्स में हमने इसको लगा के देखा इससे अर्थ अगेन टेस्टिंग होता है रोडेंट ह्यूमन हाइब्रिड क्या बन सकता है दिस एंड दैट हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं

एग्जिट नहीं हो पाता और इन काफी ज्यादा हो रहा है दिस रेनफॉल और उससे ऑब्वियसली फ्लड्स बनते हैं माइक्रोब्स इन मास मेक कंडीशन अनफेवरेबल तो हम मास को भी स्टडी कर रहे हैं बिकॉज अवर टारगेट इज की पॉसिबली हम अपने प्रेजेंट लाइफ टाइम पे ही ह्यूमन स्पीशीज इंटर प्लानिटरी हो जाए इंटर प्लानिटरी एटलीस्ट मून तक तो पहुंच जाए तो द आइडिया इज इससे हम स्टडी करते हैं मार्शियन माइक्रोबियल लाइफ हमने देखा दिस इज दैट अब पोलर रीजन है कैन द पोलर रीजन प्रोवाइड क्लूज अबाउट अर्ली लाइफ रेवॉल्यूशन ऑन अर्थ सी अर्थ भी जो है ना अगर अर्थ के कॉन्टेक्ट से देखें तो क्लाइमेट चेंज इज वैल्यू न्यूट्रल अर्थ के कॉन्टेक्स में क्लाइमेट चेंज इज वेरी वैल्यू न्यूट्रल एक टाइम था जब बहुत अर्थ हॉट होता था वार्म था फिर देर्घ टाइम जब अर्थ में काफ़ी ज़्यादा दिस कोल्ड हिरा आ गया कोल्ड कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा दिस ठंडा हो गया एज आ गया देन फिर टेम्परेचर राइज होने लग गया अब इसी पीरियड में बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर वेरी न्यू वी ह्यूमन बींग्स आर वेरी न्यू हमारा जो है ना अगर अर्थ से फोर्टी सिक्स ईयर ओल्ड एक पर्सन है तो हमारा ह्यूमन बींग्स का लाइफ दो तीन साल से ज्यादा नहीं है वी आर वेरी न्यू सो दिस टेल्स दिस टेल्स कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ तो हमको कोलर क्लाइमेट पोलर क्लाइमेट समझना है कोल्डर क्लाइमेट समझना है तो हम पोलर रीजन को समझें और अर्ली लाइफ रिवोल्यूशन को यहाँ पर देखें

एंथ्रोपोसिन जो इरा आया जिसे ज्योग्राफी का चैप्टर वन में हमने पढ़ा था क्लास ट्वेल्थ एलवेंथ ज्योग्राफी ये इराज है इराज है जैसे होमोसेपियंस कब आए एंथ्रोपोसिन कब आया, एंथ्रोपो आया लाइक दैट सो अर्थ के टाइम स्केल पे ये एक फ़ेज है अर्थ के टाइम स्केल पे एक फेज है ग्लोबल इम्पैक्ट दैट एंड देयर एक्टिविटीज़ हैव मेड आफ्टर दे इवॉल्व तो नोटेबल चेंजेस हुआ एंथ्रोपोसिन में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज आने लग गया जिसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है अब ये नई स्पीशीज हम डिस्कस करते हैं कल हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी देखा था फोना फोना तो अंडमान एंड निकोबार का श्यू है ये एक दिस हमने इसको स्टडी किया श्यू अर्न एन अंडर सर्विंग इल टेम्पर्ड रेपुटेशन इन वर्क ऑफ शेक्सपियर एज वेल एक्चुअली दे आर वेरी स्मॉल हार्ट भी इनका थाउजेंड टाइम्स पर मिनट बीट करता है एट द सेम टाइम ये अनयूजल मैमल है इनमें से काफी मैमल नॉक्टर्नल भी होते हैं वेनमस भी पाए गए हैं सो दिस इज अगेन दिस समथिंग जो एक्साइटिंग है इनके इवोल्यूशनरी स्टडी को पढ़ने के लिए जैसे ज्योरासिक पार्क में दिया था मूवी में कि हमने डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हो गए थे उनको वापस रिवाइव रिवाइव किया तो कैन वी सच सच शूज एंड मैमल्स अगेन दिस इज लेट सी ये है बैंक बेल आउट रीच गेट द नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज जो अभी मिला है वो ये मिला है कि ये जो बैंक्स होते हैं बैंक्स को सेव करना जरूरी है बैंक्स एक बफर की तरह भी काम करते हैं एक इनेबलर की तरह भी काम करते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल का दो हजार में जो लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ इससे पहले ग्रेट डिप्रेशन नाइनटीन का भी हुआ इवन नाइनटीन में भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई हमने हमेशा बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस से है इनको सेफ करने की कोशिश किया जैसे लेमन ब्रदर्स तो नहीं पर कुछ बैंक्स को गवर्नमेंट ने बेल आउट भी किया बेल आउट भी किया सो द बैंक्स आर रिक्वायर्ड और इस चीज को इस बार के जो इकोनॉमिक्स है नोबेल उसने हाईलाइट किया है तो बैंक बेल आउट रिसर्च गेट फ्रीबीज या फिर टैक्स कट भी बहुत कर दिया था देखो मैं आपको हमेशा ये एक चीज बताता हूं हर एक्टिविटी को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल करना जरूरी होता है अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल पॉलिसीज नहीं अपना रही है हम वेलफेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं दैट इज ओके बट द पॉइंट इज टू कीप द थिंग्स रनिंग टू कीप द थिंग्स रनिंग यू हैव टू हैव दिस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अदरवाइज क्या होता है पूरा सिस्टम ही जैम हो जाता है और शॉप क्लोज करनी पड़ जाती है सो वॉट ट्रिगर द यू केज इकोनॉमिक क्राइसिस दीज पॉलिसीज इन्होंने टैक्स कट किया जो अनप्लान था पॉलिसीज का आउट हुआ प्लस यहाँ पे पॉलिटिकल भी डिफिकल्टी चल रहा है पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हुआ और फिर गरीबी में आटा गीला होना वर्ल्ड में भी रेसेशनरी टेंडेंसीज आ रही हैं इन सब की टोटेलिटी में यूके इकोनॉमिक क्राइसिस आया अब ये है द इश्यूज इन द कोलेजियम फंक्शनिंग अभी जस्टिस यू यू ललित साहब का रिटायरमेंट हुआ सी और नए जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बने ये आर्टिकल भी हमने न्यूज़पेपर में देखा ना आई वॉज ना इसका एक अलग से एफएक्यू आएगा एफएक्यू आएगा सी वी आर डूइंग न्यूज पेपर एवरी डे अगर आप टोटालिटी में देखोगे ना तो कभी आपको कोई गैप नज़र नहीं आएगा बट अगर वन सब ऑन अ टाइम हफ्ते में एक वीडियो देखा हमने फिर नेक्स्ट देखा तो ऑब्वियसली तब आपको गैप्स नज़र आएंगे सो देट इज़ वाई न्यूज पेपर स्पेशली हम एवरी डे मीन्स एवरी डे बेसिस पे करते हैं आई डू इट एवरी डे इफ यू ऑल्सो डू इट एवरी डे वॉच द न्यूज़ पेपर वॉच द वीडियो और डेली इनपुट करो आपको किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं आएगा और आपका लेवल भी अप होगा लेवल भी अप होगा दिस इज वॉट वी नीड दिस इज वॉट वी वॉन्ट सो दैट इज वाई इसको सिस्टमेटिकली डेली पढ़ना जरूरी होता है न्यूज पेपर अब देखो और इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हमारा मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम जो एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं वो कवर हो बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं न्यूज तो सारी बहुत फैंसी लगती है

बिकॉज ये जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर होते हैं वो बाय द प्रेसिडेंट होता है बट इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि जो कोर्ट का कोलेजियम है उसने रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास किया और देन इट गोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर फाइनल यहाँ पे कॉल लेते हैं तो इट इज नॉट डायरेक्ट कॉल बाय द प्रसिडेंट इट स्टार्ट फ्रॉम दिस then president appoints or transfer the judges इंडिया तो जस्टिस यू यू ललित ने अपना नॉमिनेट किया अपने सक्सेसर को और इसके बाद कोलेजियम जो था इस टाइम का वो एंड हो गया कोलेजियम ने कोई डिसीजन नहीं लिया इसके एक मायने ये भी था बिकॉज नेक्स्ट सीजीआई अनाउंस हो गया है तो दैट तो इज वाई जो प्रेजेंट सीजीआई के अंडर डिसीजन मेकिंग था वो नहीं लिया गया नहीं लिया गया सो so, क्लोज हो गया विदाउट देयर बींग एनी फर्दर डेलीब्रेशन Collegeium का वर्क क्या होता है ये सीनियर मोस्ट जजेस हैं हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट देखते हैं ये पुरानी प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस क्या नो तो no. ये एक प्रैक्टिस है जो एक पैटर्न हमने डेवलप किया सो दैट मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड दिस सेपरेट हो पाए जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड दिस लेजिस्लेटिव सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल हो पाए तो ये एक तरीका निकाला यूजली ये एक बार में भी नहीं आया ये थ्री जज जो डिसीजन्स थे उसके थ्रू ये डिसीजन पे हम आए कोलेजियम सिस्टम पे इसमें क्या हुआ इसमें ये हुआ जैसे फर्स्ट जज केस आया तो उसमें बताया कि जैसे अगर प्रेसिडेंट को किसी को अपॉइंट करना है तो वो सी से पूछते हैं बट सी का मतलब अकेला सी नहीं उसके साथ चार सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे और यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो सी ने कहा है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा तो फर्स्ट जज केस में ये हुआ कंसल्टेशन जो सीजीआई का है वो फुल एंड इफेक्टिव है सेकेंड जज केस में बोला नहीं 93 में बोला एक कोलेजियम सिस्टम आएगा और वो कोलेजियम सिस्टम मिलके अपॉइंट करेगा नॉट ओनली सीजीआई बट सीजीआई प्लस फोर फिर थर्ड जज केस आया 1998 में और इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को एक्सपैंड कर दिया कि कोलेजियम में कंपोजिशन ऑफ सीजीआई फोर जजेस होंगे सो द आइडिया इज सारे अपॉइंटमेंट सारे दिस ट्रांसफर एटसेट्रा सीजेआई प्लस टॉप फोर सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे और इसको बोलते हैं कोलेजियम फंक्शंस कैसे ये करते हैं इनकी मीटिंग होती है ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं गवर्नमेंट को बताते हैं दिस इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट उसका बैकग्राउंड चेक करती है जो भी नाम आते हैं और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करती है प्रेसिडेंट के पास उसको ओके okay करने के लिए तो इस तरीके से कोलेजियम अपने वर्क डिस्चार्ज करता है बट इस बार मीटिंग बिना रिजल्ट के क्यों क्लोज हो गया बिकॉज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड का अनाउंस हो गया नेक्स्ट सीजेआई तो प्रेजेंट जो सीजेआई है यू यू ललित साहब इन्होंने अपने अंडर पे अपने अंडर पे डिसीजन नहीं लिया और दिस कोलेजियम को ही क्लोज कर दिया यहाँ पे ओके प्लस यहाँ पे इंटरनल डिफरेंसेज भी कुछ देखने को ऐसा न्यूज है बट अब इशूज क्या आता है कि कोलेजियम का जो भी वर्क है वो ऑल दो अनाउंस तो होता है बट दिस इज वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट दिस इज वेरी ओपेक कि जजेस ने सीनियर जजेस ने जो डिसाइड कर लिया वो ही होगा दिस इज अनब्रिडल्ड पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी सो दैट इज वाई गवर्नमेंट एक एनजे बिल लाई थी जिसमें एग्जीक्यूटिव का भी से हो रहा था अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस कई बार ये डिसीजन मेकिंग बड़े स्लो भी हो जाते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है जुडिशरी में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है ट्रांसफर नहीं हो रहा है फेवरेटिजम एट टाइम्स देखने को मिलता है तो वो बात था बट NGSE से सेपरेशन ऑफ पावर वर्कआउट नहीं हो रहा था तो उसको अल्ट्रा वायर करके क्वॉश कर दिया तो अब लेटेस सी दिस इज कोलेजियम तो तीन जज केस एंड कोलेजियम मतलब सीजेआई प्लस टॉप के चार जजेस टॉप के चार जजेस तो वो डिसाइड करेंगे किसको अपॉइंट करना है और किसको ट्रांसफर करना है मिस्टर शी जिनपिंग वेट देन हैचडीएफसी बैंक का इतना प्रोविजनिंग हुआ यूएस नॉट ट्राइंग टू एनालिस्ट न्यू कंट्रीज टू ऑयल प्राइस कैप यूएसए के पास जो प्राइस है ना ऑयल है वो है शेल गैस वाला शेल गैस वाला और जो यूएसए का ऑयल है ये महंगा भी होता है ये कॉस्टली भी होता है जबकि जो सऊदी का हुआ या फिर अरब का हुआ ये ट्रेडिशनल ऑयल है ये रिलेटिवली सस्ता पड़ता है एक्सट्रैक्ट करना तो प्राइसेस अगर कम हो जाती हैं तो यूएसए को नुकसान होता है प्लस इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कार्टलाइजेशन। ये डिक, डिक्टेट करते हैं कितना प्रोडक्शन करना है हमें नहीं करना है और ये अरब कंट्रीज और यू एस एस आर दिस रशिया के बीच में जो फ्रेंडशिप हो रहा है तो यूएसए इससे थोड़ा रैटल्ड नजर आ रहा है और सऊदी और यूएसए के डिफरेंसेस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं दिस इज सो ब्यूटिफुल विमेन इन ब्लू ब्रिंग होम सेवेंथ ट्रॉफी सो दिस इज रियली नाइस देन दिस इज दिस इज यू हैव गॉट मेल अब ये पुराने जो लेटर बॉक्स होते थे अब ये इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है दीज आर पोस्ट ओके दैन ये इंडियन एक्सप्रेस सी दिस अगेन टेल्स वन वेरी दिस सीरियस मैटर हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए सबको बट गवर्नमेंट जॉब्स हमेशा से लिमिटेड रही हैं और ये लिमिटेड ही रहेंगी बट द आइडिया इज कि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उतना अच्छा हमें प्रोवाइड करना चाहिए सो so दैट बहुत ज़्यादा बर्डन दिस गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा में भी नहीं है बिकॉज़ ये द ग्रेट एग्जाम रश है उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं दिस एग्ज़ाम टेस्ट के लिए बोर्ड ट्रेन वी नीड टू हैव मोर फैसिलिटीज़ एज वेल प्लस जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो ये जो नंबर है ये तो बोर्ड के पास पहले ही आ जाते हैं कि इतने लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है और उसके अकॉर्डिंगली हम एक अजम्पशन भी ले सकते हैं कितने लोग फिर एग्ज़ाम लिखने भी आएंगे सो वी नीड टू डेवलप फैसिलिटीज़ फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू दिस नंबर According to this number. इसमें अभी बहुत सारी न्यूज आया बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ ट्रैफिक बहुत सारे ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पाए एग्जाम हॉल तक नहीं चले गए जो नहीं जा पाए और उसके एग्जाम उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो दिस इज अस मैटर बिगेस्ट दिस कोरियन कल्चरल फेस्ट नीट एस्पायरेंट ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अक्सर आप बाहर जाते हो तो आप अपने फूड का बड़ा ध्यान रखा करो साफ पानी साफ खाना इज अ मस्ट बिकॉज एट टाइम्स ये जैसे कोटा का एग्जाम्पल दिया है बट ये दिल्ली में भी है हर बड़े शहर में दिख जाता है कंटेमिनेटेड वाटर एटसेट्रा से हेपेटाइटिस होता है कई बार साफ सफाई नहीं होती तो मच्छर डेंगू मलेरिया एटसेट्रा होता है बी वेरी केयरफुल देन दिस इज सिंफॉनिक ट्रिब्यूट टू है दिस इज एक शाम देश के नाम एंड ये है दिस जीएचआई को गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दिया है जयशंकर साहब यूक्रेन विद इजिप्शियन डिस्कसिसदारनाथ रोप वे प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ओके कर दिया है बैंक को प्रेशर है कि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें एन एच आई प्रोजेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर अर्जेस वर्ल्ड बैंक टू तो अवॉइड यूनी डायमेंशनल व्यू ऑफ सब्सिडीज सब्सिडीज ओके पार्टी कांग्रेस है मिस्टेक्स मेड टैक्स रेस कमिंग सी देखो टैक्स रेस कमिंग टैक्स रेस कमिंग अदर फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल हो जाता है एंड बहुत डिफिकल्टी आती है कोल माइन है यूक्रेन मोबिलाईजेशन है सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस ओके नो लेटेस्ट है एट योर आंसर सबमिशन इसको हम सॉर्ट बाय करते हैं ये दो आंसर थे देखो पहले हमने पढ़ा नगारा फिर हमने पढ़ा द्रविडन और एक मैप बनाना है साउथ एशिया का तो एनसीआरटी क्लास इलेवेंथ एनसीआर आर्ट एंड कल्चर द्रविडन बड़े अच्छे से आप पढ़ें और इंडिया और पॉलिटिकल साउथ एशिया का मैप भी बनाइए ये चीज बड़ी आसान लगती है देखने में बट एक्चुअली में करने में इट इज नॉट दैट इजी ये जब आप वर्क करोगे देन यू विल रियलाइज सी अभय अभय ने देखो कितना अच्छा मैप बनाया अभय आप बहुत अच्छा आपका कॉपी होता है कीप इट अप आप बहुत अच्छा करोगे सी देखो ये कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाया है गोपुरम गर्भगृह दिस वेरी नाइस दिस इज रियली गुड फिर इसके फीचर्स भी बताए यहाँ पे वन बाय वन तो देखो ये चीज याद हो गई ना हमें याद हो गई और यही रिक्वायर्ड है आप लिखो कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो उसको बैंक करो ये चीज याद आएगी अदरवाइज यू आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ टाइम इतना टाइम आपके पास है नहीं कि सब चीज हम देख लें न्यूज मीडिया टाइप भी हम करंट अफेयर्स कवर करें हाउ डू यू मैनेज थिंग्स सो दैट इज वाई यू हैव टू कीप अंस न्यूज पेपर पढ़ो लैंग्वेज ठीक करो लिखना सीखो थ्री सिक्सटी डिग्री डेवलपमेंट करो ये एग्जाम हंसते खेलते आपका क्वालिफाई हो जाए दिस इज रियली गुड कॉन्क्लूशन वेल डन पॉलिटिकल मैप इसको रोटेट करके पोस्ट करो ऐसे ना हॉरिजॉन्टल पोस्ट करो इसको अपलोड बिकॉज यहाँ रोटेट हो नहीं पाएगा वेबसाइट में हॉरिजोंटल दिस इज लुकिंग गुड मैप वर्क भी आपका बहुत अच्छा है यू आर वेरी नीट एंड क्लीन वर्क है आपका गुड शुभांगी शुभांगी की कॉपी भी देखो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है सारा नोट्स अच्छे से तैयार हो गया बस आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर आपका दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया भी इंक्लूड कर देना था यहाँ पे है ना केवल साउथ एशिया नहीं साउथ ईस्ट भी हम कर सकते थे दिस इज वेरी गुड अब मैपिंग जरूरी है बिकॉज अक्सर सवाल आते हैं नॉर्थ टू साउथ कैपिटल्स ईस्ट टू वेस्ट कैपिटल्स इम्पोर्टेंट प्लेसेज एटसेट्रा टेम्पल आर्किटेक्चर देखो बहुत अच्छा बनाया है दिस इज फैंटेस्टिक विमल यू आर डूइंग अगेन रियली रियली गुड योर कॉपी इज वेरी नाइस समीर मैप थोड़ा सा बेहतर करें हम प्रपोर्शन देखो प्रपोर्शन बने बनाए एक्स वाई एक्सेस वाई जेड एक्सेस में मैप डिस्टोर्ट नहीं होना चाहिए शालिनी दिस इज रियली गुड देखो कितना अच्छे से पूरा मैप बनाया यहाँ पे सी तो ये होते ही आपका मैपिंग प्रैक्टिस भी हो गया सो दैट इज वी ट्राई टू डू वी आर नॉट जस्ट डूइंग आंसर राइटिंग फॉर द सेक ऑफ आंसर राइटिंग बाय दिस एक्सरसाइज वी आर टारगेटिंग सो मेनी अदर चीजें जो एक्टिविटीज जो रिक्वायर्ड है एक कंप्लीट होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए दैट इज वॉट वी ट्राई टू डू वेरी गुड डॉक्टर जूही दिस इज रियली गुड पॉलिटिकल मैप बताया इंट्रोडक्शन एशिया सी अभी ये मैप भी बना है मैप करेक्ट नहीं बना ये मैप करेक्ट बनाइएटेड दिस ओके सो दिस इज वेरी गुड ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं पालिका दिस इज रियली नाइस कितना अच्छा मैप है आपका वेरी गुड सारे यहाँ पे रूलर्स पांड्याज और ये साउथ एशिया का मैप भी है वेरी नाइस nice. अब देखो वर्क करने से चीजें आती है बातें बनाने से नहीं आती है वर्क एक्चुअली परफॉर्म करो लिखो नंदनी दिस इज रियली गुड सी कितना अच्छा मैप है योर कॉपी इज अगेन रियली रियली गुड

रत्ना प्रिया अगेन मैप थोड़ा और बेहतर हो सकता है मैप पे वर्क करिए ये फ्री स्टाइल मैप बनाना आना चाहिए फटाफट बनना चाहिए विद इन थर्टी सेकेंड्स प्रैक्टिस द्रविडन स्टाइल सी शुभम ने भी बहुत अच्छे से लिखा है इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं सिंपल मैप भी बनाया है साउथ ईस्ट एशिया भी इंक्लूड करिए शुभांगी दिस इज अगेन गुड सर शुभांगी बहुत अच्छे से नोट्स बनाती है अच्छे से आंसर राइटिंग है अलोंग विद नोट्स वेरी नाइस द्रविडन बताया यहाँ पे वेरी गुड दिस इज गुड सारे एग्जाम्पल्स है फैंटेस्टिक अदिति अब देखो ये मैप कितना प्रोपोर्शनेट है दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर मैप सी कितना अच्छा मैप है अदिति वेरी गुड अदिति की कॉपी बहुत अच्छी होती है फैंटेस्टिक सी देखो ये भी कितना अच्छा वर्क है वंडरफुल दिस इज रियली गुड दीपाली दिस इज रियली नाइस सी वेरी गुड कॉपी अब उसमें नॉमन क्लेचर भी है हमने फिगर वन दिस एंड दैट अंडरलाइन है बंद रखा है गुड स्ट्रैटेजी ये मैप भी देखो कितना अच्छा स्टाइल है स्मॉल बनाया वर्ल्ड का और उसमें जूम करके साउथ एशिया दिखाया गुड स्टाइल हजिंदर दिस इज अगेन गुड मैप थोड़ा बेहतर करें हम देन दिस इज गुड ये टेम्पल भी बनाया नागर स्टाइल यहाँ पे गुड वेरी गुड

कितनी अच्छी अच्छी कॉपीज है नेहा प्रोपोर्शनेट दिस इज टिल्टेड ऐसा टिल्ट लग रहा है हमेशा वर्टिकल बनाओ प्रोपोर्शनेट बनाओ बाकी आर गुड गुड प्रोपोर्शनेट एक्स वाई एक्सिस पे बनाओ इसे अफसाना दिस इज रियली वेरी नाइस देखो मैप भी अच्छे से बनाया यहाँ पे दिस जूम करके ये दिखाया गुड इसमें साउथ ईस्ट इस एशिया भी इंक्लूड करिए कीर्ति दिस इज रियली गुड आपकी कॉपी भी बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टमैटिक है वेरी नाइस कीर्ति मैप बेहतर करें दिस मैप प्रोपोर्शनेट वाई एक्सिस